फ्रेंड्स, हमारी आज की रेसिपी है रमजान स्पेशल हलीम। इसे दलीम भी कहते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने जो मेजरमेंट लिया है, इसी चम्मच से लिया है इन सब चीज़ों का। तो एक चम्मच हमने अरहर का दाल लिया है, एक चम्मच मसूर दाल, एक चम्मच चना दाल, एक चम्मच उड़द का दाल और उसी चम्मच से हाफ चम्मच हमने ये गोविंद भोग या बासमती चावल लिया है और इसी चम्मच से एक चम्मच ये गेहूं का दल लिया है। तो सबसे पहले हम इन दालों को मिक्स करेंगे और एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद इसे अच्छे से धुल करके साफ करके पानी डाल के हम इसे सोक करके रख देंगे भीगने के लिए। उसके बाद इस गेहूं के दलिये को भी अलग से हम धुल करके भिगो देंगे पानी में, इसे भी फूलने देंगे और ये हम हलीम मसाला तैयार करेंगे। तो इसकी ज़रूरत बाद में आएगी, लेकिन इसे हम पहले से तैयार करके रख लेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे गरम मसाले कुछ लिए हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, जायफल, जावित्री और ये ज़ीरा है एक चम्मच भर के लिया है हमने। हाफ चम्मच यहाँ पे हमने सौंफ लिया है और यहाँ पे एक चम्मच ही हमने खसखस लिया है, जिसे पोस्तुदाना भी कहते हैं। तो इन सबको ड्राई रोस्ट करके हमें पाउडर बना करके रख लेना है। तो इसके लिए हमने बोनलेस ये मटन के पीसेस लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में इसे हमने काट कर रख लिया है। यहाँ पे एक प्याज लिया है, उसे चॉप कर लिया है और यहाँ पे हमने मसालों को ग्राइंड करके रखा है। ये फ्रेश हमने मसाला पीसा है। तो इसमें हमने लाल मिर्च, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया, जीरा, काली मिर्च और जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाकर हमने इसे एक साथ रख लिया है, क्योंकि फ्रेश मसालों की बात ही कुछ और होती है। तो सबसे पहले हमने तो दाल को यहाँ भिगो कर रख दिया है। अब जो दलिया था उसे भी हमने भिगो कर रख दिया है। तो आइए अब हम मटन चढ़ा लेते हैं। तो मटन बनाने के लिए यहाँ पे हमने कुकर में 2 बड़े चम्मच तेल डाला है और तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें अब हम डालेंगे कुछ खड़े गर्म मसाले। तो यहाँ पे तेज पत्ता हमने डाल दिया है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी डालेंगे और जब ये सब थोड़े से पक जाए 1 मिनट तक इसे पकने देंगे। जब इसके कलर चेंज हो जाए तो इसमें हम ये कटे हुए प्याज डाल देंगे और इसे हमें लाइट गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करना है। तो ये देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे पीसे हुए मसाले जिसे हमने ग्राइंड करके रखा था। अब इस प्याले को धुलकर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और 1 चम्मच इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे इसका कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। और नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन नमक हल्का रखेंगे क्योंकि दाल में भी नमक रहेगा। तो मसाले भून गए हैं, अब इसमें हम मटन डाल देंगे और इसे भी 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। अब ये भून गए हैं तो इसमें हम थोड़ा सा सिर्फ 1/2 कप पानी डालेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे ढक करके हम मटन को गलने तक पकने देंगे। तो 10 मिनट पकने के बाद देखिए कि ये मटन हमारा तैयार हो गया है, अच्छे से ये गल भी गया है और भून भी गया है। तो इसका ढक्कन लगाकर हम साइड में कर देते हैं और अब हम चलते हैं दाल की तरफ। तो दाल बनाने के लिए यहाँ पे पतीले में 1 लीटर हमने पानी चढ़ाया है, उसमें 1 हरी मिर्च काट कर डाल दिया है और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और अब इसमें भीगे हुए दाल को हम डाल देंगे। दाल जो और चावल को मिक्स करके भिगो करके हमने रखा था उसे इसमें हम डाल देंगे। इसके बाद इसमें हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे, इससे क्या होगा कि दाल उबलकर बाहर नहीं आएंगे और बीच बीच में इसे चलाते हुए लो फ्लेम पे हम इसे गलने देंगे। और ये दलिया जो भिगो कर हमने रखा है इसे अभी हम रहने देंगे, जब दाल आधा पक जाएगा तब उसके बाद हम इसमें दलिया को मिक्स करेंगे। तो 20 से 25 मिनट के बाद देख सकते हैं कि दाल आधा गल चुका है, थोड़ा सा गला है, थोड़ा कड़ा है। तो इसी स्टेज पे हम अपने भीगे हुए दलिये को डाल देंगे और इसे भी 10 मिनट तक तकरीबन लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि सब अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से गल जाए। तो दलिया डालने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद ये देख सकते हैं कि दाल और दलिया दोनों मिलकर गल गए हैं। तो ये दाल घोटने वाली जो होती है इससे हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे। और एक बात का ध्यान रखें, दाल जब चढ़ाएं तो हेवी बॉटम पॉट में ही चढ़ाएं, वरना ये नीचे से चिपक कर जलने लगेंगे। तो देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। तो अब ये तैयार हो गया है, अब इसमें हम अपने बने हुए मटन या मीट जो भी कह लें इसे इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है तो लास्ट में हम जो हम गरम मसाले का पाउडर बना कर रखा था उसे डालेंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी आती है, ये हमारा होममेड हलीम मसाला है। तो इन सबको डालकर फिर से अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे।
अब इसमें हम एक लेमन का पूरा जूस निकाल कर डाल देंगे। अब लास्ट इसमें हमें इसे छौंक लगाना है, तो यहाँ पे हमने देसी घी लिया है, इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे और एक कटे हुए मीडियम साइज के प्याज को डालकर इसमें हम लाइट गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करेंगे। जब ये प्याज फ्राई हो जाए तो इसे हम डाल देंगे अपने तैयार किए हुए हलीम में। तो 10 मिनट तक इसी तरह से ढककर हम छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो एक बाउल में हमने इसे सर्व कर लिया है, इसके ऊपर हमने हरी धनिया, हरी मिर्च और कटे हुए अदरक के टुकड़े डाले और लेमन का जूस डालकर ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अगर ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।